हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये देखने में जितना प्यारा है बनाने में भी उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 26 फंदे डाले हैं। फ्रेंड्स, ये चार चार फंदों का डिजाइन है और दो फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन फ्रेंड्स आपने सीधी बुननी है इस तरह। फ्रेंड्स, आप दो लाइन, दो रो यानी फर्स्ट और सेकंड, दो लाइनें आपने सीधी बुननी है। फिर हम थर्ड लाइन में आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है। दो सिलाइयां सीधी बुन लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने दो सिलाइयां सीधी बुन ली हैं और थोड़ा बॉर्डर बन गया, देखिए इस तरह। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर चार सिलाइयां सीधी उल्टी बुननी है। फिर हम आपको फिफ्थ रो में बताएंगे कि हमें क्या करना है। आप चार सिलाइयां सीधी उल्टी बुन लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार सिलाइयां सीधी उल्टी बुन लिए, बिल्कुल प्लेन थी। अब इसके ऊपर डिजाइन डालेंगे। ये हमारे डिजाइन की फिफ्थ रो है। देखिए, एक बिना बुने, फिर देखिए एक दो फंदे छोड़ के फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है बीच में जाली, ये देखिए एक दो तीन, और देखिए यहाँ से चौथे जाली में हम पीछे से एक बड़ा सा फंदा खींचेंगे इस तरह। देखिए इस तरह फंदा खींचेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और चार। देखिए चार फंदे सीधे बुन लिए। फिर जहां से हमने बड़ा फंदा निकाला था वहीं से हम दोबारा से फिर एक बड़ा फंदा खींचेंगे इस तरह। ये देखिए, ये बड़ा फंदा है, इस तरह खींच के बराबर कर लीजिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, बुन लिया आपने। फिर देखिए एक दो, दो छोड़ के बीच में फली नहीं बल्कि फली के बीच में जो जगह है यहां से एक दो तीन और ये चार, यहां से फ्रेंड्स फिर हम एक बड़ा सा फंदा खींचेंगे इस तरह। फिर चार, देखिए इस तरह बड़ा फंदा। फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे सीधे बुन लिए। फिर देखिए इसी में से दोबारा से एक बड़ा फंदा खींचेंगे इस तरह, ये देखिए। फिर चार खींच लिया आपने। फिर देखिए एक दो, दो छोड़ के यहां से फिर से एक बड़ा फंदा खींचेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, और देखिए फिर दोबारा से यहीं से हम बड़ा फंदा खींचेंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह इस रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से हर चार फंदे बुनने के बाद मैंने इस फंदे को बुना है। देखिए बीच में चार फंदे हैं, फिर ये दो फंदे खींच के बनाए हैं बाहर पीछे से, दो फंदे पीछे से, चार फंदे, इस तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर रखी है। अब देखिए उसकी इसकी उल्टी सिलाई कैसे बनाएंगे। देखिए अब इसकी उल्टी सिलाई कैसे बनाएंगे, एक बिना बुने। देखिए फ्रेंड्स, ये जो खींचा हुआ फंदा था ना पीछे से, देखिए बड़ा फंदा, इसे नहीं बुनेंगे, इसे इसी तरह उतार लेंगे और ये बीच के चारों फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। उल्टी सिलाई है तो उल्टा ही बुनेंगे और ये फंदा ऐसे उतारेंगे। फिर चार फंदे, ये देखिए, फिर ये जो बड़ा फंदा इसे ऐसे उतार लेंगे और ये चार फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह। चार फंदे उल्टे बुन लीजिए और देखिए बड़ा फंदा ऐसे उतारिए, फिर ये बड़ा फंदा उतारिए
और चार फंदे उल्टे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। चार फंदे उतारिए, दो फंदे ऐसे ही रख लीजिए। देखिए ये बुन लिया आपने, इसे ऐसे उतार लीजिए। उल्टी सिलाई है तो उल्टा ही बुनेंगे, और इन दो बड़े फंदों को उतार लीजिए। चार फंदे उल्टे बुनिए। देखिए फ्रेंड्स हमने पीछे की पूरी सिलाई उल्टी बुनी है, और जो दो फंदे थे बड़े जो अपने पीछे से बनाए थे उसे नहीं बुना। अब देखिए हम आगे से कैसे बुनेंगे, एक भी ना बुने। और ये देखिए इन इन दो फंदों को इस तरह पीछे से सीधा बुनेंगे। फिर ये देखिए एक दो, देखिए चार फंदे बुन लिए हैं। चार फंदे के बाद ये जो है देखिए इसको पीछे से सीधा बुनेंगे इस तरह। फिर ये देखिए फ्रेंड्स आपको इसे पूरी लाइन आपने सीधी ही बुननी है, लेकिन जो दो बड़े फंदे हैं उसे सिंगल इस वाले फंदे के साथ मिला के बुनना है इस तरह। देखिए देखिए इस तरह से आएगी इसकी फली। फिर देखिए ये दो फंदे हैं, आपने इन दो फंदों को पीछे से बुनना है। फिर ये चार फंदे आपने सीधे बुनने हैं, बीच के दो फंदे, और इन दो फंदों को एक साथ आपने इस तरह आगे से बुनना है। देखिए इस तरह। फिर ये देखिए इसे आपने पूरी लाइन तो सीधी ही बनेगी फ्रेंड्स। ये दो फंदे सीधे और ये वाला फंदा इसके साथ मिला के बुनेंगे। फिर ये दो फंदे, इन दो फंदों को पीछे से सीधा बुनिए इस तरह। फिर ये दो फंदे सीधे और इन देखिए इन दो फंदों को इस तरह पीछे से सीधा बुनिए। फिर ये देखिए दो फंदे सीधे, ये बीच के फंदे भी सीधे, और ये देखिए इन दो फंदों को आगे से सीधा बुनिए, और लास्ट वाला फंदा भी सीधा ही बुन लीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा, ये देखिए। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर अब आपने दो लाइनें, एक उल्टी एक सीधी। देखिए अब आप इसके पीछे की एक लाइन उल्टी बुनेंगे, ये वाली लाइन कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स, उल्टी बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने दो सिलाइयां उल्टी सीधी बुन ली है। अब हम इसके ऊपर डिजाइन डालेंगे। देखिए एक बिना बुने, दो फंदे सीधे, और देखिए दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए जो ये है ना बीच में जाली, यहाँ से फ्रेंड्स दो देखिए दो फंदों के बाद यहाँ से हम अब एक बड़ा फंदा उठाएंगे इस तरह। ये देखिए फिर हम चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, बीच में चार फंदे सीधे। फिर फ्रेंड्स इसी जाली में से हम दोबारा से बड़ा फंदा उठाएंगे इस तरह। फिर फ्रेंड्स देखिए इसके बाद फिर हम यहाँ से ये उठा लिया आपने, देखिए अब यहाँ से आपने चार फंदे, ये बड़ा सा फंदा उठाना है आपने, ये देखिए इस तरह। फिर इसके बाद आपने चार फंदे सीधे बुनने हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने नीचे बुना था इसी तरह हमने इसे भी रिपीट करना है। देखिए ये आ गया। फिर आपने फिर से दोबारा से बड़ा सा फंदा उठाना है इस तरह। फिर देखिए अब आपने यहाँ से उठाना है, देखिए इस तरह। फिर चार फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे के बाद फिर आपने यहाँ से बड़ा फंदा उठाना है, देखिए इस तरह। फिर आपने दोबारा से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से उठाना है, अब ये बन गया। फिर आपने देखिए इसके बाद आपने फिर से चार फंदे
सीधे बुनने हैं, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे बुन ली। फिर देखिए फ्रेंड्स, बुनने के बाद आपने इसी के अंदर से दोबारा से फिर बड़ा सा फंदा उठाना है इस तरह। फिर आपने देखिए इस वाली जाली में से चार बड़ा सा फंदा उठाना है, फिर आपने चार फंदे सीधे बुनने, एक दो तीन चार, और इसके बाद फिर इसी में से दोबारा से एक बड़ा फंदा उठाना है इस तरह। फिर देखिए फ्रेंड्स, बुन लिया आपने, ये चार फंदे इस तरह से आपने उठाने हैं। फ्रेंड्स, मैंने जैसे नीचे बुना था इस तरह इस रो को बुना है, और लास्ट में देखिए तीनों फंदे आपने फ्रेंड्स, ये दो फंदे, ये तीनों फंदे आपने सीधे बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, हर चौथी सिलाई के बाद आपने इसकी जगह चेंज करनी है और यही डिजाइन डालना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिजाइन तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, ये तो सिंपल ही है, बस हर पांचवी सिलाई पे आपने डिजाइन बनाना है और थोड़ी सी जगह चेंज करनी है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।